हेलो दोस्तों, मैं साहू साहू चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बजाज स्टील के बारे में। बजाज स्टील का भी जो फंडामेंटल देखेंगे क्या रहे, और पिछले वीडियो में हम बात किए थे बजाज स्टील का जो फंडामेंटल और चार्ट एनालाइज, उसका सपोर्ट लेवल भी बताए थे। आज भी वही वीडियो में सेम इसी तरह है, सपोर्ट लेवल है वो भी बात करेंगे। अभी जो बात करेंगे फंडामेंटल के बारे में, बजाज स्टील में क्या फंडामेंटल। अभी देखिए, अभी जो इंटरेस्टिंग वैल्यू जो देख पा रहे हैं यहाँ पर, करेंट प्राइस इज़ लेस देन इंटरेस्टिंग वैल्यू। अभी के प्राइस में ग्रीन सिग्नल मिला है, आप देख पा रहे हैं। एंट्री पॉइंट पे गुड दिया है, नो रेड फ्लैग दिया है। मैंने अभी के टाइम में बोल रहे हैं एनालिस्ट, जो ये जीरोधा का एप्लीकेशन है, जीरोधा एप्लीकेशन जो मेरा डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, वहाँ आप जाके यार आपको ध्यान देना है। 600 को सपोर्ट नहीं तोड़ना चाहिए, 600 आपको ध्यान पर रखे, होल्ड रखिए। और शॉर्ट टर्म के लिए आप 750 तक टारगेट बना सकते हैं, क्योंकि आप बड़ा स्टील में 600 का स्टॉप लॉस के साथ चलते रहिए। और इसका जो अभी उसका फाइनेंशियल चार्ट देखेंगे, फाइनेंशियल चार्ट में हम देख पा रहे हैं कि अभी जो 2018 टू 2021 तक जो चार्ट हम देख पा रहे हैं, अभी ग्रीन ग्रीन में आप देख पा रहे हैं 11+11+13+23, ये सब प्रॉफिट है। वो धीरे धीरे प्रॉफिट करके जनरेट करके गया है। ईयरली टू ईयरली बहुत बढ़िया स्टील कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। तो आने वाला समय में ये बहुत गिरावट हुआ था, इसी वजह से थोड़ा मार्केट में पैनिक हो गए थे लोग, जो होल्डिंग वाले बहुत फंस गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है, बजाज स्टील में जब भी होल्ड रखना है तो आप सपोर्ट लेवल को ज़रूर चेक करिए। जब तक सपोर्ट लेवल तोड़ता नहीं तब तक आप एग्जिट नहीं होना है। लॉन्ग टर्म व्यू के लिए तो बहुत बढ़िया है, लॉन्ग टर्म व्यू के लिए आप फोल्डिंग करके रख सकते हैं, जब तक आपको 10-20% रिटर्न ना दे। तो यही वीडियो में आप बात कर रहे थे, इसका फंडामेंटल बात कर रहे हैं। अभी आप चार्ट में जाएंगे, चार्ट देखेंगे कैसे रहता है और अभी का टाइम में क्या रहेगा इन्फॉर्मेशन, इस चार्ट में हम बात करते हैं। तो चलते हैं इस वीडियो में। तो ये रहा बजाज स्टील का फाइनेंशियल चार्ट। बजाज स्टील के चार्ट पर हम देख पा रहे हैं अभी 645 में क्लोजिंग दिया है। हम यहीं आसपास में बात किए थे बजाज स्टील में, और इस कैंडल के ऊपर बात किए थे। जब स्पिनिंग बोर्ड टाइप का बना है कैंडल, इसको टच करने जरूर आएगा, वहाँ से फिर रिवर्स पैटर्न बनेगा। तो आपको ज़रूर ध्यान देना है, 600 बहुत बड़ा लेवल है, 600 सपोर्ट लेवल। 600 अगर तोड़ता है फिर और ज़्यादा नीचे आने का संभावना बहुत जल्दी है। तो आपको ये ध्यान देना है, जब तक 600 तोड़ता नहीं तब तक आप कम क्वांटिटी के साथ होल्ड करिए और टारगेट बना के रखिए 750 तक। अब जिस दिन 750 टारगेट कंप्लीट होगा, वो नेक्स्ट लेवल के लिए हम और एक वीडियो लेके आएंगे और क्या स्ट्रैटेजी रहेगा। तो अब तक के लिए आप 600 और नीचे आने से आप होल्डिंग करिए, क्योंकि 600 ब्रेकआउट होने के बाद एग्जिट हो जाइए। जो लॉन्ग टर्म व्यू के लिए आप फोल्ड करके रखिए, और नेक्स्ट टारगेट के लिए आप कोई ये नहीं है। तो आपको 600 लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए 600 सपोर्ट लेवल है। तो इस वीडियो में बात कर रहे थे, ये जो पैटर्न बना है बजाज स्टील, अच्छा पैटर्न तो बना है, बट करेक्शन आता रहता है मार्केट में, फिर करेक्शन के बाद फिर एक हाई बनाएगा, फिर हाई के बाद करेक्शन, ऐसे होता रहता है हर चार्ट में, हर सेक्टर, हर स्टॉक में ऐसे ऊपर उतर चढ़ाव रहता है। तो आपको ध्यान देना है, अगर लॉन्ग टर्म व्यू के लिए चलते हैं तो आप एग्जिट मत होजिए, होल्ड करके रखिए। अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। तो ये रहा बजाज स्टील के बारे में। बजाज स्टील का फंडामेंटल बहुत बढ़िया है, बट आपको होल्डिंग करके रखना है। तो इस वीडियो में बात किए बजाज स्टील के बारे में, फंडामेंटल के बारे में। अगले वीडियो में और एक शेयर लेके आएंगे, नया शेयर आपके लिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिए।